काम कौन सा करना चाहिए, ऐसा लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए। तो मैं हरदम बोलता हूँ कि जिसमें आप पैशनेट हो वो काम करो, जिसमें आपको काम करने में बहुत मज़ा आता है वो काम करो। तो पैशनेट मतलब क्या होता है? पैशनेट मतलब ऐसा काम कि जो काम करने में आप भूख प्यास सब भूल जाएंगे, वो काम करते करते आपको पैसा भी नहीं मिला तभी आपको उसकी चिंता नहीं है, और आपको कोई एक्नॉलेजमेंट एप्रिसिएशन भी नहीं है, और उसमें आपको ना भूख प्यास लग रही है ना आपको टाइम की चिंता है। ऐसा काम यदि आप कर रहे हो, ऐसा कौन सा काम है कि जिसमें आपको ये सब क्राइटेरिया पूरे हो रहे? अब ये काम करते करते यदि आपको पैसा मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है? ये काम अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब हम पूछते हैं कि भाई आप काम पे क्यों आए, तो लोग बोलते नहीं पैसा कमाने के लिए जाता हूँ। ये लोग ये नहीं बोलते कि मैं मेरी पैशन पूरी करने के लिए जाता हूँ। लोग एक्चुअली शाम को काम खत्म होने के बाद बोलते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, टायर्ड हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो कर रहे हैं वो करना पड़ता है इसलिए कर रहे हैं। ये पड़ता वाला कार्यक्रम जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। कितने सारे लोगों को पूछ लिया है कि यदि आपके पास में बहुत सारा पैसा होगा और बहुत सारा टाइम होगा तो आप क्या करोगे, क्या आप वही काम करोगे जो आप कर रहे हो? अरे नहीं बोलते, वो तो काम कभी नहीं करेंगे जो कर रहे हो, पहले बंद कर डालेंगे। यदि बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम रहेगा तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा। तो वो कब करने वाले, वो करने वाले कब है? नहीं एक दिन। तो लोग ऐसा जीते कि एक दिन मुझे है ना बहुत समय मिलेगा, एक दिन मुझे है ना बहुत टाइम मिलेगा, हाँ एक दिन मुझे बहुत पैसा रहेगा कि मेरे को पैसे की चिंता नहीं रहेगी, और फिर उस दिन मैं मेरा जीवन जीना चालू करूँगा। आज तो घर चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए काम कर रहा हूँ। या फिर तीसरा कि आपके पास में दूसरा कुछ करने के लिए है नहीं है, पैसा मिल रहा है, पैसिव इनकम है, टाइम पास कर रहे कुछ तो भी, और अपना टाइम पास करके अपना टाइम बिता रहे। मेरा एक रिलेटिव है दूर का, वो लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बना और फर्स्ट, हरदम फर्स्ट आते रहता था, हरदम फर्स्ट। बी हो गया, बी होने के बाद में जब मुझे मिला तो बोले मुझे तो है ना इच्छा ही नहीं थी इंजीनियर होने की, इच्छा ही नहीं थी इंजीनियर होने की, और मैं माँ बाप ने बोला करके हुआ इंजीनियर। कैंपस इंटरव्यू में तो मेरे को अच्छे कंपनी में अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, 25 लाख का पैकेज पहले साल में मिल गया, टॉप का कॉलेज, टॉप का स्कोरिंग, मगर मुझे मज़ा नहीं आ रही। फिर मैंने उसको पूछा कि तुमको करना क्या था, क्या करने की इच्छा है, कि जो काम, ऐसा कौन सा काम है कि जो काम आप वो करने के समय आप भूल जाओ, खुद को भूल जाएंगे, टाइम को भूल जाएंगे, पैसे को भूल जाएंगे, कुछ नहीं। बोले मेरे को बनना था वकील, तो मेरे को मज़ा आता था, मेरे को वकील नहीं बनने दिया। बोले बोले फिर अभी कहाँ टाइम गया हुआ है, अभी तेरी उम्र 24-25 साल की है, अभी बन जाओ वकील। बोले बन जाओ क्या? बोला हाँ बिल्कुल, अभी समझो तू 100 साल जीने वाला है तो 75 साल अभी बचे हुए जो तू जिएगा कि साला मैं वकील बनता तो अच्छा रहता, वकील बनता तो अच्छा रहता था, सब दिमाग में वही है ना, जबरदस्ती कर रहे, उसके बदले वकील बनने के लिए 4 साढ़े 4 साल और लग जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? बोले ठीक है मैं करता हूँ। उसने ज्वाइन कर लिया LLB, वकील बन गया। अभी आज वो अच्छा वकील हाईकोर्ट में बॉम्बे के प्रैक्टिस कर रहा है और बहुत खुश है, और बोलता है मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ और पैसा बहुत मिल रहा है। तो आप जो भी काम कर रहे हो तो झूठा मत अपने आप से बोलो या लोगों से बोलो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप पैशनेट नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ में। और यदि पैशनेट है तो आप अपने आप को पूछो, झूठा मत बोलो कि क्या है जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें यदि मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो भी मैं काम करूँगा क्या, यस और नो? यदि आपका जवाब नो आता है तो इसका मतलब आप पैसे के लिए काम कर रहे, पैशनेट नहीं है, पैसा मिल रहा करके काम कर रहे। यदि पैसा नहीं मिलता है तभी भी आप वही काम करना चालू रखेंगे तो मैं मान लेता हूँ कि ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं।